प्रिपरेशन अगर करना है तो किस चीज की करना है, क्या करना है प्रिपरेशन में? मैं आईएएस बनना है, नेता बनना है, बिजनेसमैन बनना, कोई जरूरी नहीं कि तुम आईएएस की तैयारी करो। इवन में जब भी लड़ोगे कहीं भी तो इसी के सहारे लड़ोगे, वो भी अपने, और जब आप रटोगे तो कनेक्टिविटी होगी ही नहीं। तो आप तैयारी करोगे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल। प्रिपरेशन अगर करना है तो किस चीज की करना है, क्या करना है प्रिपरेशन में? पढ़ तो चुके ही हो, स्कूलिंग करके आए हो, लेकिन हम हिंदुस्तान में आईएएस की प्रिपरेशन में कहते हैं यार एनसीईआरटी पहले पढ़ो। क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में ह्यूमैनिटीज रेयरिटी ऑफ रेयर लोग स्कूल में लेते हैं, क्योंकि यहां ज्यादातर लोगों को नौकरी करनी है तुरंत। तो स्कूल लेवल में जो सबसे प्रचलित स्ट्रीम है वह है पीसीएम, वह है पीसीबी, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और जो मेट्रो है दिल्ली मुंबई, वहां पे है कॉमर्स। तुम बहुत रेयर केस में यहां इस देश में किसी को 11th 12th में आर्ट्स लेते हुए पाओगे। तुम में से है कोई 11th 12th में? हाँ तो तुम फिर अजूबे हो कंट्री में। इज्जत ही नहीं है यार, इज्जत ही नहीं इस कंट्री में। अगर तुम कह दो कि हमने 12th जो है आर्ट से किया है तो बड़ी बुरी नजर से देखेंगे लोग तुमको, अच्छा इधर आओ उधर हो पीछे हो। तो आर्ट्स को क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो बहुसंख्यक लोग जानते ही नहीं, मेजोरिटी, क्योंकि आपने पढ़ा पीसीएम, आपने पढ़ा पीसीबी। तो हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए आपको पता ही नहीं। तो जब आपको यह नहीं पता है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तब आप रटोगे, और जब आप रटोगे तो कनेक्टिविटी होगी ही नहीं। तो आप तैयारी करोगे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल। हिंदुओं के पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। मुसलमानों के साथ दिक्कत है कि इसी जन्म में लेना है, हिंदुओं के साथ सुविधा है कि ऐसा करो जीएस इस जन्म में कर लो, नहीं हुआ तो ऑप्शनल अगले जन्म में कर लो। यह पहली वजह है कि आप सभी लोगों को यहां से तैयारी शुरू करनी चाहिए। प्रिपरेशन का पहला मतलब होता है कि अपने बेस को मजबूत करना, क्योंकि बिना बेसिक्स के तुम एडवांस कभी समझोगे ही नहीं। यह होता है तैयारी का पहला चरण, फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिपरेशन, कि भैया हम पहले बेसिक्स तैयार करेंगे, पहला चरण वहां रखो। दूसरा, तैयारी का दूसरा बात क्या है, तुम्हारा बेसिक्स तैयार हो गया। जैसे ही तुम्हारा बेसिक्स तैयार होगा, जो सबसे पहली चीज तुम्हारे अंदर डेवलप होगी वो होगी कॉन्फिडेंस। अब बेसिक तैयार हो गया, इकोनॉमी तैयार है, पॉलिटी तैयार है, सोसाइटी सब तैयार हो गया तुम्हारा, अब तुम एडवांस बुक उठाओ। यहां पे मेन खेल होता है। यूपी की गरीबी की मुख्य वजह बताओ। अब अगर तुमने वो चैप्टर पढ़ा है नेशनल इनकम इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, अब देखो कनेक्टिविटी का रोल यहां पे, सेकंड फेज। सेकंड फेज में तैयारी मतलब दूसरी चीज है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, जोड़ने का सिद्धांत, पता तुम्हें सब है। अब तुमने एक स्टेट उठाया पंजाब, अब तुमने दूसरा स्टेट उठाया यूपी। तैयारी का मतलब पढ़ना नहीं है, तैयारी का मतलब है कनेक्ट करना। अब तुम दिल्ली से चले जम्मू, तो दिल्ली से जम्मू के बीच में जितने भी स्टेशन हैं, सोनीपत, पानीपत, लुधियाना, फगवाड़ा, सब
सब इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेशन है, नहीं है? हैं? सब इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। लेकिन जब तुम दिल्ली से चले गोरखपुर, कोई इंडस्ट्री नहीं, कानपुर में थी, होने गई, बंद करवा दिए। जो हिंदुस्तान का लेफ्ट है ना, लेफ्ट कम्युनिस्ट, इन्होंने 10-10 महीना स्ट्राइक करवाई। अब देखो, अब ये, अब इस एक डायग्राम से, अब जैसे तुमने अभी कहा कि एग्रीकल्चर जो है, अब एग्रीकल्चर दोनों जगह होती है, यहां भी होती है, यहां भी होती है। एग्रीकल्चर कितने महीने जॉब देगी? मैक्सिमम 4 महीने देगी, 4 महीना। तो पंजाब का जो आदमी है ये 4 महीना काम करेगा एग्रीकल्चर में, फिर 8 महीना काम करेगा इंडस्ट्री में, और जो बच गए वो कनाडा चला गया। तो अब देखो इससे क्या हुआ, यहां आर्थिक समृद्धि आई। तो जब यहां आर्थिक समृद्धि आई तो यहां औरत की स्वतंत्रता बढ़ी। तुम पंजाब में औरतों की स्थिति देखो कितनी स्ट्रांग है। सामाजिक स्वतंत्रता किस पर निर्भर करती है? आर्थिक स्वतंत्रता पे। अब तुम यहां का समाज देखो, पंजाब का, यहां का रहन सहन देखो, यहां का वेशभूषा देखो, और फिर तुम यूपी का समाज देखो। अब यहां का आदमी 4 महीने कृषि में काम कर लेगा, 8 महीने महाराष्ट्र चला जाएगा, गुजरात चला जाएगा, पंजाब चला जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा लेबर की सप्लाई पूरे भारत में पूर्वांचल और बिहार से है। तैयारी का दूसरा मतलब है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। पहला मतलब क्या है? उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। दूसरा मतलब क्या है? ये पहला दो काम शुरू करो, पहला बेस तैयार करो और दूसरा कनेक्टिविटी जोड़ो। कि भारत में के संविधान में अगर फंडामेंटल राइट रखा गया है तो क्यों वहां पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाओ? क्यों, क्या जरूरत है इसकी? उसके उत्तर खोजो, तब ये जिंदा होगा। जीवन में जब भी लड़ोगे कहीं भी तो इसी के सहारे लड़ोगे, वो भी अपने, किसी दूसरे के मन और दिमाग के सहारे कभी नहीं लड़ पाओगे। तीसरी चीज, पहली चीज बेसिक, दूसरी चीज कनेक्टिविटी, तीसरी चीज जो, ये सारी बातें क्लियर होगी ना, कैसे जोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। रटो मत यार, तुम रटते रह जाओगे। और लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, ये बात याद रखना। जो तुम्हारा पहला चरण होता है आईएएस की तैयारी का, वो ऐसा होता है ऐसा। तो तीसरा जो चरण है इस तैयारी का है, बहुत ही जबरदस्त चरण है, वो है व्यक्तित्व का विकास। तो अब जब कोई चीज, अब सुनना, ये तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब कोई चीज सुनिश्चित नहीं है और तुमने एक बड़ा गोल बना लिया, आईएएस यार बहुत छोटा गोल है लेकिन तब पर भी मैं लिख देता हूं यहां पे, तुमने आईएएस का गोल बना लिया और तुम्हारे पापा क्लर्क हैं बिजली विभाग में, पावर डिपार्टमेंट में तुम्हारे पापा क्लर्क हैं, और तुम रहते हो बिजली विभाग की जो कॉलोनी है वहां रहते हो। अब तुम्हारी चुनौती यह है, ये सारे लोग, सारे क्लर्क यहां रह रहे हैं, और समाज में अवस्था से सोच जुड़ी होती है। जैसे तुम रिक्शा वाले से कहो कि तुम्हारे बेटे को आईएएस बनाएंगे, अरे कहेगा भैया काय बर्बाद कर रहे हैं हमारे लड़के को, मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि अरे बेटा आईएएस तो थोड़ी बनते हैं। अब तुम्हारे इस हाइडल कॉलोनी में 800 परिवार रहते हैं और उस 800 परिवार में तुमने कह दिया कि मैं आईएएस बनूंगा, अब ये 799 परिवार का चूल्हा बंद हो गया।
यार गुप्ता जी का लौंडो आईएएस बनने जा रहा है, और सौभाग्य से तू पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारा रिकॉर्ड पढ़ने का अच्छा है, तुम्हारा 10th में 99% है, 12th में 99% है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी कानपुर में तुमने एडमिशन ले लिया है। समझ तो रहे हैं यार, हरी तो खिलाड़ी है। तो अब ये 799 क्या करेगा, ये तुमको इनडायरेक्टली, तिवारी जी मिल गए तुमको, और बेटा बड़े अंकल वो आईएएस की तुम तैयारी करने के लिए कह रहे थे, हाँ कर लो, हमारे एक दोस्त है लखनऊ में, उनका लड़का पढ़ने गया था, वो पागल हो गया बेचारा 2 साल बाद। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वॉर। अब यही बात अगर तुमसे लगातार कही जाएगी, लगातार, तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि सफलता से जो असफलता का नंबर होता है वो बहुत बड़ा होता है। हर साल 10 लाख लड़के एग्जाम देते हैं, 1000 लड़के आईएएस बनते हैं। महत्वाकांक्षा में जो सबसे बड़ी चीज तुम्हें मदद करेगी वह है तुम्हारा व्यक्तित्व। न कोचिंग करेगी, न टीचर करेगा, कोई नहीं करेगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी। क्योंकि ये 799 तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे हर जगह। तुम ट्रेन में चलोगे वहां भी तुम्हें 2 लोग मिल जाएंगे कि ऐसा करो यार, ठीक है आईएएस की तैयारी कर रहे हो करो, लेकिन यार एमबीए भी कर लो। तुम्हें दुनिया में एक ही लॉबी से बचना है, इस आम जनता वाली लॉबी से। और अगर तुम इससे बच गए, और तुम्हें ही बचना है, फिर काम है डिमोरलाइज करना। ये 99% जो जनता है उसका काम है डिमोरलाइज करना, उसका पेशा है। ऐसा नहीं तुम्हें कर रही है, सबको करती है। और अगर तुम्हें उसे हैंडल करना आता है, और उसको तुम किताब से हैंडल नहीं कर सकते, व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी नहीं बनेंगे वे आईएएस। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं बनोगे आईएएस, नहीं बनेंगे, अच्छा तो लूटपाट करेंगे, और पहले तुम्हारा घर लूटेंगे और तुमको मारेंगे। अरे यार बदतमीजी वाली बातें करते हो, बदतमीजी वाली। तुमको अगर जीवन में 1 लाख आदमी मिलेगा तो कोई एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें मोटिवेट करेगा। इसलिए इस जीवन में सबसे बड़ी चीज है अपने आप को मोटिवेट रखना, खुद से, किसी की वीडियो सुनकर नहीं, किसी की क्लास अटेंड कर, खुद से। राजा मतलब वो व्यक्ति जो स्वतः मोटिवेटेड है, जो दूसरों से मोटिवेशन ले रहा है वो राजा नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सारी लड़ाई तुम्हें अपने व्यक्तित्व के बल पे लड़नी है। तुम्हें अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। कैसे? दुनिया में जितनी भी छोटी छोटी चीजें उनको छोड़ दो, 2 चीजों को तुम ताकतवर बनाने की कोशिश करो पर डे, पर डे। एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी शरीर। व्यक्तित्व तो इन दोनों चीजों पे निर्भर करता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आती, शक्ति से, बाकी कॉन्फिडेंस तुम ला ही नहीं सकते। और मन को स्ट्रांग करने का तरीका है ध्यान। ध्यान मतलब 24 घंटे अपनी सोच पर नजर रखना। ये जो मन है ना, कुछ भी विचार फेंक देगा, कुछ भी, कुछ भी। इस देश में शिक्षा ने सिर्फ एक काम किया पिछले 30 साल में, आप पढ़ो और नौकर बनो। शिक्षा का काम है पढ़ाओ, दिमाग को जिंदा करो और व्यक्तित्व का विकास करो, और हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। मैं आईएएस बनना है, नेता बनना है, बिजनेसमैन बनना, कोई जरूरी नहीं कि तुम आईएएस की ही तैयारी करो। इस देश में एक और रोग है, एक आदमी आईएएस बनने गया तो मोहल्ले के बाकी लोग भी चले गए, और अगर गांव में एक आदमी बन गया तो बाकी गांव का जीना हराम। तुम्हारी लड़ाई में
जो सबसे अहम चीज तुम्हारे जीवन भर काम आएगी वह तुम्हारा व्यक्तित्व। कोई ना तुम्हारा माँ, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारा टीचर, कोई नहीं। और व्यक्तित्व दो चीजों को मिलकर बनता है, एक मन को, एक शरीर को। तुम अपनी चॉइस से, अपनी, अब इन दोनों को शक्तिशाली कैसे बनाना है यह तुम डिसाइड करोगे। उसका सबसे सरल रास्ता है ध्यान और योग। मैं बार बार, तुमने कई सारी मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने कहा होगा तुम तीन जगह जाया करो बस, मंदिर, जिम और लाइब्रेरी। तीन काम, पहला काम बेसिक्स, दूसरा काम कनेक्टिविटी। जोड़ो यार, रुको, अपनी आंख को बंद करो, सोचो। लेकिन तुम्हारे मन में चूंकि पुराने खुराफात चल रहे हैं तो किताब को वो सोचने नहीं दे रहा है, किताब सेव ही नहीं हो पा रही, वो अंदर जाके फिर रिपल मार दे रही बाहर, अंदर कुछ और ही चल रहा है। और तीसरा काम, अपने व्यक्तित्व का विकास करो, क्योंकि सारी लड़ाई तुम्हारे व्यक्तित्व पर है।